नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं पल्लवी और मैं हूं डिम्पी काल रहा। तो आज का सेशन नई सीरीज के साथ शुरुआत हो रही है। दिसंबर सीरीज की शुरुआत है, लेकिन ये हफ्ते का आखिरी दिन है और ये इस साल का, इस कैलेंडर ईयर का आखिरी सीरीज भी है। तो ठीक बजट से पहले सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लगातार समझतेंगे इस पूरे कार्यक्रम में कि अब कौन कौन सा शेयर आपको इस समय बाय करना है, किस में एवरेज करनी है, किसको भी छोड़ना है। क्योंकि सीरीज की शुरुआत में ही अगर आपने कोई अच्छा शेयर प्लस कर लिया तो आपको पूरी सीरीज चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हैं आज के मेहमान, जिनसे हम चर्चा करेंगे, और थोड़ी देर में अविनाश भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिनसे व्यू फंडामेंटली लेंगे आपने जो पहले से निवेश कर रखा है उसके बारे में, और जो निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में भी पहले से ही आपको राय मिल जाएगी। लेकिन कार्यक्रम का हिस्सा बनना आप कैसे बन सकते हैं, पहले एक बार ये देख लीजिए। कई सारे मेथड हैं जिससे कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। पहले तो आप फेसबुक के जरिए आप कार्यक्रम से जुड़ें, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं, इसके अलावा ट्वीट करके भी अपने सवाल को हमको भेजिए। आप व्हाट्सअप फ़ोन नंबर के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और जिन लोगों के पास भी एवरेज करने का मन है, क्योंकि इससे बाज़ार ठहर रहा है 8,000 के आसपास रुक रहा है, आपका सवाल नो डाउट खरीदारी के साथ एवरेज का भी होगा। आप पूछना चाहते हैं तो एक्सपर्ट से जुड़िए और पूछिए सवाल। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक का ईमेल एड्रेस भी है। जी, तो कई तरीके हैं हमारे साथ जुड़ने के, अपने पसंदीदा शेयरों पर सवाल पूछने का। और फोन लाइन पर पहले दर्शक जुड़े हैं। विष्णु है भरूच से, गुड मॉर्निंग विष्णु, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। जी विष्णु, मेरे पास टाटा मेटालिक की शेयर है। कितने शेयर हैं सर, कितने भाव पर खरीदे? 380 पे खरीदा हूँ। ठीक है, क्या करने का? ऑलराइट, मानस 380 पर इनकी खरीद है, 323 का भाव फिलहाल चल रहा है, क्या करें? आपने टाटा मेटालिक की बात की? जी, टाटा मेटालिक्स। देखिए, टाटा मेटालिक में नो डाउट दो दिन पहले एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था जो कि एक रिवर्सल साइन है, और हम ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट 450 रुपए से देख चुके थे। और पिछले दो दिनों में जो भी रिकवरी देखने को मिली है वो मैं समझता हूँ कि फिलहाल के लिए तो केवल एक बाउंस बैक है, बट ये रिकवरी शायद थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि 340-350 तक के स्तर देखने को मिले, बट मेरी राय में वहाँ पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस 360 और 365 की रेंज में है। तो मेरी राय में फिलहाल के लिए बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 314 रुपए के नीचे रखें और टारगेट 350 और 360 की रेंज में सेट करके चले और वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक है, एक ताज़ा खरीदारी तरुण करना चाहते हैं, दिल्ली से उन्होंने अपना सवाल भेजा है। वो सुनील हाईटेक के बारे में जानना चाहते हैं। मानस, आप इसके बाद टेक्निकल पैटर्न देखेंगे, यूजली कई लोगों ने ले भी रखा होगा क्योंकि मिड कैप की एक अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनी है, फैंसी शेयर्स रहता है कईयों का। आपके सुनील हाईटेक पे व्यू क्या है? देखिए, जब स्टॉक में अपर और लोअर सर्किट लगातार लगने लगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक में। ऐसे स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं, और फिलहाल के लिए तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के पैटर्न्स हैं वो निगेटिव है, पॉसिबिलिटी बनेगी कि 170 के नीचे स्टॉक जाके 162-160 की रेंज में आए। तो मेरी राय में आज की तरह, जिस तरह आज हमने रिकवरी देखी, अगर और थोड़ी दो तीन दिन रिकवरी मिल जाए और स्टॉक 200 रुपए के आसपास आ जाए तो वहां पर निकलने की ही सलाह रहेगी। मैं नहीं समझता कि स्टॉक को अब 250 रुपए के लेवल से पहले स्टॉक को बाई करना चाहिए। जब स्टॉक 250 रुपए के ऊपर क्लोज हो तभी स्टॉक को बाई करें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। जी, तो 250 तक किस तरह अगर ये क्रॉस करता है तो तब यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, रोहन है गुजरात से। नमस्कार रोहन, पूछिए क्या सवाल है आपका। रोहन, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, अपना सवाल पूछें। नहीं, टेलीविजन चालू ही नहीं है। हाँ सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? टाटा कॉफी है, 125 रुपए के भाव से। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। टाटा समूह की, जी जी, कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं इसे? 6 महीना। ठीक है, मानस जायसवाल जी, इन्होंने टाटा कॉफी 500 शेयर्स खरीदे हुए 125 के भाव पर, फिलहाल थोड़ा नुकसान हो रहा है, 6 महीने के लिहाज से क्या टारगेट आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, हमने जो रैली देखी थी वो करीब 85 रुपीज़ से 150 रुपए तक की थी, जो मेरे ख्याल से 2015 और 2016 के बीच में देखने को मिली थी। उसके बाद जब स्टॉक करेक्ट हुआ तो वो ऑलरेडी 61.80% करेक्ट हो चुका है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मैं समझता हूँ कि अगर नज़रिया बड़ा है, अगर 6 मंथ से 8 मंथ तक का टाइम फ्रेम है तो बने रहा जा सकता है, क्योंकि 105 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और
बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं नहीं समझता कि स्टॉक शायद 105 के नीचे जाएगा, तो 105 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे, बने रहे स्टॉक में। अगर सिक्स मंथ्स की बात करें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 135 और 145 के लेवल्स शायद देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बीच ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, सूरत से हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए आप। सर सर मैंने वन ऑप्शन ले रखे हैं। अच्छा, एनबीसी से नहीं आपके पास, कार्ड लिया क्या आपने? जी सर मैंने एवरेज मेरा 258 समथिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अबान का बता रहे कि मेरे को आप एनबीसी का बता रहे हैं एवरेज रेट? जी वो एनबीसी मैंने स्केयर ऑफ कर दिया था। अच्छा, वो स्केयर ऑफ कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल में। ठीक है, अच्छी बात है। अबान आपका क्या रेट बता रहे हैं? 260 एवरेज का ना? 258 एवरेज प्राइस है। 218 एवरेज का, आज ही क्या है क्या थोड़े बहुत शेयर आपने एवरेज? हाँ जी। ठीक है, अभी क्या जानना चाहते हैं इसका व्यू आगे का? सर उसका आगे इसका क्या टारगेट है सर, मेरा 5-6 महीने का व्यू बता सकते हैं आपका? ठीक है, बेहतर बात है, आपने सब चीज क्लियर भी की है। एक बार अबान ऑफ शेयर देखिए आप मानस, ये शेयर नो डाउट क्रूड के साथ चलता है, अभी एक ट्रिगर इसमें ड्यू है मानस, वो 30 तारीख को ना एक ओपेक की बैठक होने वाली है, जिसमें अभी तक के संकेत ये हैं कि प्रोडक्शन कट आ जाएगा, तो क्रूड के अंदर तो वॉलिटिटी बनी रहेगी, ये स्विंग बहुत स्ट्रांग देता है। अबान के साथ क्या किया जाए? 218 की इनकी एवरेज पड़ रही है अभी, 3-4 मंथ पहले बेस बनाने की कोशिश की थी 200 रुपए के आसपास, और उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी पिछले मंथ हमने देखने को मिला, वहां पर वॉल्यूम्स भी थे, तो बहुत पॉजिटिव संकेत था, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और पिछले करीब 2-3 हफ्ते में जिस तरह गिरावट देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कॉशस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि 194 का स्टॉप लॉस रखें, और पोटेंशियल तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 230 के लेवल्स ब्रेक करेगा। अगर 230 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो वापस हमें 280 और 290 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, पहला काम 194 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। ठीक है, तो मार्केट में तो आज रिकवरी आनी शुरू हो गई है, लेकिन नोटबंदी को लेकर भी सरकार ने कल एक अहम फैसले लिए, वो ये है कि अब आपकी जेब में जो 1000 रुपये का नोट है अब सिर्फ से और सिर्फ बैंक में जाएगा और अब कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो 500 का नोट है वो काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी जा सकता है, जैसे कि प्रीपेड अगर मोबाइल आप रिचार्ज करवाना चाहते हो, और इसके अलावा आप एयरलाइंस टिकट लेना चाहते हो, या फिर अभी भी आप उसको कहीं भी पेट्रोल पंप पे इस्तेमाल करना चाहते हो। ध्यान रखिएगा, 1000 का नोट आप मत दीजिएगा, आपको वापस हो जाएगा वो। इसी मुद्दे पर और जरा हमको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता असीम है। असीम, अभी की सिचुएशन है ये है कि जो रिचार्ज है प्रीपेड रिचार्ज है, ये मैं 500 का जो रिचार्ज करवाऊंगा वो एक बार में होगा, या फिर मैं साल भर का पैकेज रिचार्ज करवाना चाहूँ वो हो सकता है 1200 का हो 1500 का हो, ये 500 के 3 नोट भी दूंगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे? देखिए, सही कहा आपने कि अभी सिर्फ आपको एक बार में ही एक नंबर जो है वो रिचार्ज किया जा सकता है 500 रुपए के नोट से, तो ये जो वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से है। तो अभी लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनके पास ये जानकारी जो नहीं पहुंचे कि 500 रुपये उन्हें लेने हैं या नहीं लेने हैं, तो रिटेलर्स अभी जानकारी वो ये नहीं ले रहे हैं। मैं एक शॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी कस्टमर जो है वो आए थे लेकर के अखबार पढ़ करके, लेकिन उनके पास अभी रिटेलर्स के पास किसी भी तरह की कोई जानकारी इसकी है नहीं कि उनको 500 रुपये लेना है नहीं लेना है। बाकी बात रही कि कंपनियाँ उनको स्कीम किस तरह से देगी 500 रुपये के अंदर, आप 500 रुपये का रिचार्ज करा रहे हैं तो हो सकता है कि आज दोपहर तक कंपनियाँ अनाउंसमेंट कर दें अपनी स्कीम की कि अगर आप 500 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो हम उसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी देंगे, अनलिमिटेड टॉक टाइम देंगे, 500 रुपये के अंदर फुल टॉक टाइम जो है वो देंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो जो है दी है टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार ने, तो टेलीकॉम कंपनियाँ चाहेंगी कि इसको पूरी तरह से जो है भुना ले, तो नए नए ऑफर्स जो है स्कीम्स जो है टेलीकॉम कंपनियां लेकर के आ सकती है कि आप अगर 500 रुपए के नोट से अपना मोबाइल रिचार्ज कराना चाहते हैं तो रिटेलर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, असीम एक चीज और आपसे थोड़ा क्लेरिफिकेशन भी चाहते हैं क्योंकि आप टेलीकॉम को कवर भी करते हैं, ये प्रीपेड के साथ पोस्टपेड को लेकर भी कुछ रियायत है? पोस्टपेड का बिल भी ऐसे ही हो सकता है जमा अगर कैश में जमा कराना चाहें? नहीं, देखिए पोस्टपेड के बिल को लेकर के सरकार ने अभी कोई भी कुछ नहीं कहा है कि आप उसको बिल जमा करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ प्रीपेड को लेकर के गाइडलाइन जो है जारी कर दिए, अगर आपके पास पुराना 500 का नोट है आप लेकर जाइए रिटेलर के पास और अपना मोबाइल जो है 500 रुपये से जो है वो रिचार्ज करा सकते हैं, रिटेलर इसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियों का पिछले काफ़ी दिनों में देखा कि डिमांड जो थी वो काफ़ी घट गई थी, 70-80% डिमांड जो है प्रीपेड की घट गई थी, और आपकी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 85% मार्केट
जो है वो प्रीपेड की सिम कार्ड की है और 15% के आसपास जो है पोस्टपेड ग्राहक है, तो प्रीपेड ग्राहक जितने भी होंगे उनको फायदा होगा। करीबन देश में 120 करोड़ ग्राहक है मोबाइल में, जिसपे 100 करोड़ के आसपास जो है वो प्रीपेड ग्राहक है, तो उनको इसका फायदा जो है डेफिनेटली होने वाला है। असीम, एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं और आप टेलीकॉम को ही कवर करते हैं, ये जो रूरल एरियाज में या फिर प्रीपेड जो आप बता रहे हैं 85% मार्केट है, इसमें 3-4 बड़े प्लेयर हैं जो लिस्टेड भी हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल है, आइडिया है, अब तो रिलायंस भी आ चुका है जियो के ज़रिए, हालांकि अभी वो फ्री में ही दे रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी किसको समझें ये प्रीपेड सेगमेंट में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जिसके पास जितने ज़्यादा कस्टमर है और जितने ज़्यादा उनको रिचार्ज करवाने में उनको अपने कस्टमर्स को प्रेरित कर लेता है, तो वो कंपनी जो है सबसे ज़्यादा फायदे में रहेगी। एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 26 करोड़ के आसपास जो है वो कस्टमर है, वोडाफोन के पास जो है 22 करोड़ के आसपास कस्टमर है, आइडिया के पास भी इतने 18 करोड़ के आसपास कस्टमर है, तो कस्टमर्स की कमी जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के पास नहीं है, तो फ़ायदा सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो है वो होगा। खासतौर पर देखिए, रूरल में अगर मैं रिचार्ज की बात करूँ तो रूरल रिचार्ज में मंथली 40-50 रुपए के आसपास का जो है रिचार्ज होता है, तो उस ग्राहक को आपको माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि अगर 500 रुपए का नोट जो है वो लेकर के जाए और उससे रिचार्ज कराए, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि मेरे को इसको बैंक में जमा करके दोबारा फायदा है तो वो उसको प्रेफर करेगा रेदर देन कि रिचार्ज कराने के बजाय। लेकिन हाँ, अर्बन कस्टमर है जिनके पास 500 रुपए के नोट है, वो आसानी से जो है इस पूरे उसको अपना मोबाइल जो है उसको रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर आपने बात बताई कि शहरों में आप जो कम से कम रिचार्ज जो हुआ करता था वो 500 का ही हो जाएगा, क्योंकि नोट अभी कुछ दिन और चलेगा और शहरी कस्टमर शायद 500 का नोट पूरा देके प्रीपेड करवा लेगा। ध्यान रखें, पोस्टपेड कनेक्शन वाले का ये पैसे एक्सेप्ट नहीं होंगे, प्रीपेड पे फिलहाल अभी सेवा जो कि 80% मार्केट रखती है और ग्राहक करीब करीब सबके एक जितने ही हैं, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन यही होगा कि अब स्ट्रेटजी टेलीकॉम कंपनीज कैसे उठाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ये जो लिमिटेड टाइम उनको मिल रहा है उसमें ये कहें कि देखिए 500 का ही रिचार्ज आप करवा लीजिए, क्यों आप 100 और 200 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत अहम सवाल अब तक हमको समझ में आ रहा है कि ये सरकारें उठा रही हैं। असीम, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। हालांकि रिटेलर्स को थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये शायद कन्फ्यूजन जल्दी दूर हो जाएगी और सुचारू रूप से व्यवस्था फिर से काम करना शुरू कर देगी।